नमस्ते, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ करके अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफी ऐसी बीमारियां होती है कि जो लगता है हमें कि वो शारीरिक है, मगर कुछ मानसिक समस्याओं से या मानसिक टेंशन से या कोई स्ट्रेस से रिलेटेड होती है, या कुछ मन में कुछ तो भी चल रहा है उसकी वजह से हो सकती है। हमको लगता है कि वो शारीरिक बीमारी, बदन की बीमारी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरा पागल हो गया, एकदम मेंटल हो गया तो ही मेंटल हॉस्पिटल में जाना है, या तो ही डॉक्टर के पास में जाना है, या तो ही साइकेट्रिस्ट के पास में जाना है। ऐसा नहीं है। साइकेट्रिस्ट के पास में जा सकते हैं कि जब बाकी बीमारियां होने के बावजूद भी उसमें कुछ मिलता नहीं है, सब जांच कर लिया, सब तरह की तपास कर लिया, सब जांच कर लिया, तभी भी वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि वो साइकोलॉजिकल हो। अभी मैं आपका आज परिचय करने देने वाला हूँ एक व्यक्ति से कि जो हमारे पास में वॉमिटिंग के लिए है, उल्टियाँ हो रही थी, और उल्टियाँ हो रही थी, सब तरह की जांच किया, काफ़ी दिनों से उल्टियाँ हो रही है मगर वो ठीक नहीं हो रही है, तो हमारे पास में हमने उनका इलाज किया और उनकी ठीक हो गई उल्टी। तो आइए, आपका स्वागत है। आपका आपका परिचय? शेख एजाज, चांद्र बाजार से, डिस्ट्रिक्ट अमरावती। हाँ, शेख एजाज है, डिस्ट्रिक्ट अमरावती से आए हुए हैं। और आप? नूरुन्निसा। हाँ, नूरुन्निसा है। तो बताइए आपको क्या क्या तकलीफ थी। हाँ जी बताइए। खाना खाती थी तो उल्टी हो जाती थी। हाँ। और कुछ भी नहीं पचता था, पानी नहीं, चाय नहीं, कुछ नहीं। हाँ। मगर यहाँ आने से फायदा हो गया। अच्छा। हाँ। तो आपने कहाँ कहाँ उसका इलाज किया था? बहुत जगह इलाज किया हमने, बहुत जगह इलाज किया। हाँ। और रोज कितनी उल्टियाँ होती थी? जैसे खाना खाए तो जब उल्टी होती थी, चाय पिए तो, पानी पिए तो, कुछ भी खाए तो उल्टी हो जाती थी। बचता नहीं था कुछ भी? कुछ भी बचता नहीं था। यहाँ अभी कितने दिन से यहाँ है? अभी आप? तीन दिन से हॉस्पिटल में है। और अभी? हाँ। तीन दिन में उल्टिया वगैरह हुई नहीं? नहीं, जब से हुई नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या होता है कि कुछ उल्टियाँ ऐसी होती है, साइकोलॉजिकल वॉमिटिंग होती है। मतलब अभी इन्होंने, इनको सब स्कोपीज हो गई, सब तरह के इलाज हो गए, सब दवाई हो गई, तभी उल्टियाँ रुक नहीं रही थी। ये साइकोलॉजिकल वॉमिटिंग का दिमाग के ऊपर लोड, टेंशन आने से था। हमने देखा कि भाई इनको क्या दिमाग के ऊपर लोड आ रहा, स्ट्रेस आ रहा, वो तो हमने देखा ही। और उनको एवर्शन ट्रीटमेंट दिया। एवर्शन ट्रीटमेंट ऐसी ट्रीटमेंट होती है कि जो ट्रीटमेंट देने से वो पेशेंट का प्रॉब्लम जो रहता है साइकोलॉजिकल, वो ठीक हो जाता है। तो हमने उनको एवर्शन ट्रीटमेंट दिया और एवर्शन ट्रीटमेंट देके उनकी तबीयत अच्छी हो गई। अब आप जल्दी घर पर चले जाएंगे और आप अच्छे रहो, खुशहाल रहो, मस्त जीव, मजा करो। तो ये बताइए कि इनको उल्टी की वजह से क्या क्या तकलीफ हो रही थी? बहुत बेचैनी, घबराहट और सर में दर्द, और बहुत बेचैन थे मतलब। हाँ। और ऐसे हो गए थे कि क्या करूं क्या नहीं, ऐसा कर रहा था कि दम देने को जा रहे करके। हाँ, बेचैन थे मतलब, मरने के कगार पे थे। तो इंडोस्कोपी की हमने पूरे अमरावती के डॉक्टरों को बता दिए, उनका कुछ भी नहीं जमा। बहुत जगह इलाज कर लिया मैंने, 3 महीने से लगातार परेशान था मैं भी, लेकिन सर ने एक जीवन दान दे दिए। सर की बहुत बदौलत है और सर का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। और बाकी इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ना, हाँ, इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ ले रहे थे वो, बहुत परेशानी की वजह से। हाँ, मतलब परेशानी। हाँ, इतने बेचैन थे। अपन सर की ऐसी कृपा हो गई कि बहुत जल्दी ट्रीटमेंट कर दिया, एक दिन में फायदा लगा दिया सर। इनकी बहुत सारी इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, गैस्ट्रोलॉजी, और उसके बाद बहुत बड़े मतलब पेट विकार की, मतलब इनकी जो रोग की जो डॉक्टर है वहाँ तक गए हम, मतलब यहाँ तक के एमडी मेडिसिन, मतलब जो एमबीबीएस है, और जो मतलब अमरावती में दिमाग के डॉक्टर है जो मतलब सेक्रेटिक्स है, उन्होंने मतलब फेल हो गए। पर ये डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया कि सर 24 घंटे के भीतर भीतर में इनकी उल्टी बढ़ गई। सर लगभग 24 घंटे के भीतर में, यकीन मानिए सर कि 24 घंटे के भीतर में इनकी उल्टी बढ़ गई। इतना अच्छा मतलब ट्रीटमेंट हुआ इनका यहाँ पे कि 24 घंटे के अंदर मतलब उल्टी बैठ गई। आप अगर से आप किसी के नज़दीक में ऐसा किसी पेशेंट मिलता है, यदि ये खेड़कर हॉस्पिटल में आप संपर्क करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। थैंक यू।